हटाने को लेकर मंगलवार को मंत्री के भांजे और समर्थकों द्वारा निगम कर्मियों के साथ मारपीट के मामले में निगम FIR दर्ज करवाएगा। यह बात महापौर मालिनी गौर ने बुधवार को कही। महापौर ने कहा कि पोस्टर हटाने के दौरान जो घटना हुई वह दुर्भाग्यपूर्ण है। मामले में मंत्री का भतीजा हो या बेटा, निगम कर्मियों से मारपीट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महापौर मालिनी गौर ने निगम कर्मियों से मारपीट को लेकर कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कैबिनेट की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि कोई भी बैनर पोस्टर होर्डिंग्स नहीं लगाएंगे, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता मान नहीं रहे हैं। इन्होंने मंत्री के जन्मदिन पर पोस्टर बैनर लगाए थे जिन्हें निकालने के लिए निगम कर्मी गए थे, उनके साथ मारपीट की गई। हम मामले में FIR दर्ज करवा रखेंगे, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मैं हर काम को अपने क्षेत्र से ही शुरू करती हूँ, चाहे वह चौड़ीकरण के लिए निर्माण टूटने का हो या फिर पोस्टर हटाने का हो। मैं कांग्रेस भाजपा दोनों के ही समर्थकों से कहना चाहती हूँ कि वे पोस्टर बैनर लगाकर शहर को बदरंग ना करें। बहुत सारे रखे जी भाई, निगम कर्मचारियों के साथ खुलिया मारपीट के लिए पत्थर उनके ऊपर बरसा है, लाठियों से पीटा गया, और इस मामले आपने क्या आदेश दिए? जो भी घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कैबिनेट में सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी बैनर पोस्टर होर्डिंग नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता मानते नहीं और सभी लोगों ने बैनर पोस्टर लगाए थे मंत्री जी के जन्म दिवस के, तो उनको निकालने हमारे नगर निगम के कर्मचारी गए थे, उनके साथ मारपीट हुई और उसकी FIR आज करवाने जा रहे हैं। सख्त कार्रवाई होगी क्योंकि लगातार हमने स्वच्छता में 3 बार इन लोगों को नंबर 1 बनाया, पूरा शहर बदरंग हो रहा, 4th बार हमको फिर से नंबर 1 बनाना है, तो लगातार हम बैनर होर्डिंग हटाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने विधानसभा से ही पहल करती हूँ हर काम की, चाहे रोड टूटने का हो या होर्डिंग बैनर का हो, सभी मैं अपने विधानसभा से शुरू करती, अपने घर से शुरू करती हूँ। तो मैं पूरे शहरवासियों से भी निवेदन करती हूँ और कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करती हूँ, कांग्रेस हो या BJP हो, सभी से निवेदन है इस शहर को बदरंग ना बनाएं, और जिस प्रकार स्वच्छता में हमने इतनी मेहनत की है उस पे एक धब्बा ना लगाएं और होर्डिंग बैनर ना लगाएं, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया पे आप जितना चाहे प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और आज नगर निगम द्वारा FIR दर्ज हो रही है। इसमें कुछ मंत्रियों के रिश्तेदार भी थे और कुछ समर्थक भी थे, क्या सभी के खिलाफ होगी? जो भी दोषी होगा और जो वीडियो फुटेज में भी कई सारे लोग, आज पेपर में भी मैंने देखा उसमें भी मारते हुए उनका फोटो आया है, तो जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। अभी इसमें मंत्री जी के भतीजे भी हैं, उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। मंत्री जी का भतीजा हो चाहे बेटा हो चाहे कोई भी हो रिश्तेदार, उस पर FIR होगी।